स्पेशल था ऑब्वियसली जब हम लोग गणपति बापा को सिलेक्ट करने गए थे और ये बोल के गए थे कि जो गणपति बापा आना चाहते वो खुद ही चुन के आ जाएंगे, और हम लोग पहुँचे और एक झटके में गुरमीत खड़े हो गए इनके सामने और बोला इस बार रामलल्ला रूप में गणपति बापा आएंगे। और मुझे, मैंने बोला एक मिनट रुक जाओ, मैंने पूरा घूम घूम के देखा और फिर मुझे इनके इनसे अच्छे और मतलब दिमाग में और कुछ सही नहीं लगा। और वही आए और उसके बाद तो गुरमीत चले गए थे और मुझे बोल के गए कि डेकोर होना चाहिए वैसा जैसा यू नो रामलला के मंदिर में है, मार्बल का, लेकिन मार्बल का नहीं लेकिन ऐसे वाइट सा हमने किया ताकि आप जब दूर से देखें तो ऐसा ही लगेगा कि मंदिर के अंदर खड़े हैं रामलला जी। देखिए राम और सीता बने तो इनके घर पे तो आनी ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली ऐसे एक कनेक्शन था, गणपति जी भी बहुत दिल के करीब हैं, राम जी भी बहुत दिल के करीब हैं, तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता था। पहली मेमोरीज की बात करेंगे जब आप दोनों साथ में थे, पहले जब गणेश जी घर आए उस वक्त की अगर मैं बात करूँ क्या थॉट था दिमाग में कि घर पर गणेश जी को लाना, बिकॉज आप दोनों ही बिजी रहते थे शूट्स वगैरह में, बट स्टिल आपको घर पर लाना था एंड घर पर बापा को लाना मतलब पूरी श्रद्धा के साथ पूरा टाइम वर्क आरती सब कुछ करना होता है, तो कैसे डिसाइड किया आप दोनों ने। एक्चुअली 13 साल पहले हम लेके आए थे, और 13 साल से ज़्यादा हो गया कि 13 साल नहीं 2012 में हमने पहले लेके आए थे, फर्स्ट टाइम लाए थे। तो हम कुछ भी करें, जैसे मैं आपको बताऊं आज ही मैं इंडिया आया हूं, कुछ देर पहले ही मैं यूरोप में शूट कर रहा था और वहां से फ़्लाइट पकड़ के किसी भी तरह 2 दिन ट्रैवल करके मैं आज पहुंच गया। तो हमारा ये होता है कि गणपति जी जब होते हैं तो 1.5 दिन हम कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ गणपति जी की सेवा में लगे रहते हैं, और वो एक्साइटमेंट भी होता है क्योंकि सारे दोस्त फैमिली सब आते हैं, सब मिलते हैं, मिलने का एक मौका भी मिलता है और पूजा करते हैं आरती करते हैं। तो आई थिंक ये त्यौहार जैसा होता है, और जब त्यौहार का जो असली मकसद है हम उसी को मद्देनज़र रखते हुए ही करते हैं, कि नहीं तो घर पे तो हर एक की पूजा होता है घर में जो मंदिर है, लेकिन जब हम यू नो साल में एक पूजा करते हैं जहाँ पे यू नो थोड़ा सार्वजनिक जैसे ताकि सब लोग आए, तो उस इस पर्पज़ के लिए करते कि हम आनंद यू नो स्प्रेड करें, हैप्पीनेस स्प्रेड करें, मिलना जुलना हो। और या इन्होंने जो पूछा कि 12 साल पहले जब गणपति बापा पहली बार आए थे तो हमारा घर नहीं था उस टाइम पे, उससे पहले, और लालबाग चिराजा हम गए थे तब बाहर गणपति बापा को ही देखने जाते थे, और मैंने बोला कि बापा अगले साल आप घर पे आना, घर था नहीं लेकिन घर भी हो गया और बापा भी आए थे, तो इतने ही मतलब यू नो इसीलिए बोलते हैं कि मुंबई गणपति जी के शहर है, यहाँ पे आ जाओ तो आप किसी भी प्रदेश से आओ इसी भक्ति के साथ आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाते हो। हमेशा देखा गया है हर कोई श्रद्धा के साथ ही बापा को लेकर आता है, बट कई बार पीओपी की मूर्ति जब लेकर आते हैं विसर्जन वाले दिन अगर हम बीच वगैरह पे जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बहुत मतलब देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं जिस तरह से बापा के हाथ पैर सिर होते, इसीलिए हर कोई जो आप जैसे जो एक्टर्स होते हैं पब्लिक फिगर होते आप लोगों की बात से ही ऑडियंस जो है इको फ्रेंडली थ्रू जा रही है। आई एग्री, इको फ्रेंडली गणपति होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ गणपति जी नहीं मुझे लगता है इको फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। हम अभी जो आर्टिकल हमने 1-2 दिन पहले पढ़ा जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इतने प्लास्टिक कलेक्ट किए जाते हैं जो कि बहुत ही ख़राब है, तो हम एक्ट्रेस हैं, हम कुछ अगर करते हैं तो लोग वो न्यूज़ देखते हैं, समझ पाते हैं, हम मोटिवेट कर सकते हैं, तो इको फ्रेंडली गणपति हमारा होता है। हम बिल्डिंग के नीचे ही, सबसे अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने हर बिल्डिंग के नीचे या 4-5 बिल्डिंग के बीच में एक पॉन्ड बना दिया जहाँ पे आप पूरे श्रद्धा के साथ पूजा करके आप विसर्जन कर सकते हो। हमने गणपति जी को बहुत, जब इनिशियली फर्स्ट डे जो था तब हम जू बीच पे गए थे, फिर जब अगले दिन हमने जब न्यूज़ देखा कि इतना बीच खराब हो जाता है और जिस श्रद्धा से हम गए थे वो सब गणपति जी को देख के बहुत बुरा लगता है, तो अभी मुझे लगता है कि इंडिया में इनफैक्ट बॉम्बे में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है और बॉम्बे में काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के अभी आए हैं और इको फ्रेंडली गणपति कर रहे हैं। आपने ये पापा का पंडाल छोटू सा देख लिया,
मैं कल से ही वीडियो कॉल में देवीना को परेशान कर रहा था, दिखाओ दिखाओ, लेकिन आज पूजा था तो उनका चेहरा ढका हुआ था, तो कल तो मैं देख नहीं पाया। बॉम्बे आते ही, घर में आते ही मैंने सबसे पहले गणपति जी को देखा। आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये आज का ये जो साल है काफ़ी स्पेशल है। कल से ही एक्चुअली प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था क्योंकि सुबह सुबह पंडित जी आने वाले थे, तो उससे पहले प्रसाद चढ़ाना ज़रूरी था। तो इस बार मैंने जो अलग किया वो ये है कि बच्चे आ गए घर पे, वो लोग मिठाई के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मिठाई घर पे बनाया जाए। तो यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध मिठाई है जो कि स्टीम्ड मोदक बोलते हैं, जो सबके समझने के लिए, और यहाँ पे कुछ और नाम है, नहीं कुछ कटे चावल के मोदक कुछ ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो जो हमारी हेल्प है एक, तो उनके सामने मैं ऐसे ज़ोर ज़ोर से प्लान कर रही थी, नारियल है और ये है, पूछ रही थी घर पे, तो क्योंकि मुझे ये बनाना था, तो उन्होंने बोला कि आपको बनाना आता है? मैंने बोला YouTube देख के सीख लूँगी, फिर उन्होंने बोला मैं मदद करूँगी। और शाम को मोदक का ढांचा वो भी काफ़ी सारा लेकर आए थे, हम सब लोग मिल के घर पे बैठ के रात तक हम लोगों ने मोदक बनाई, और सबसे मतलब बच्चों अभी इंजॉय करके खा रहे हैं, और आई नो इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल होम मेड, इट इज़ हेल्थी एंड गणपति बप्पा के फेवरेट। सो इस बार काविश मांगा है आप दोनों ने, बप्पा से क्या चाहिए? बस हम हेल्थी रहे, हम खुश रहे, स्वस्थ रहे, अस्वस्थ रहने रहेंगे तो बस सब अच्छा होगा। बिल्कुल, सबके लिए सब लोग सेहतमंद रहें, खुश रहें, और साथ में हम सभी लोग मिलजुल के रहें।